हम नए नए उस मोहल्ले में पहुंचे थे। पिता का ट्रांसफर हुआ था। हमें जो घर किराए पर मिला उसके ठीक सामने एक विशालकाय कोठी थी। ये शहर का एक नामी गिरामी परिवार था। दौलत थी, नौकर चाकर थे, गाड़ियां थीं। कोठी में 5 भाइयों के संयुक्त परिवार के होने से काफी चहल पहल रहती थी। इस परिवार की धर्मकर्म में भी बड़ी आस्था थी। हर रविवार को वहां कथा होती। दूर दूर से लोग आते। शहर के जाने माने व्यापारी थे तो उनके यहां आना लोग अपना सौभाग्य समझते थे। इसी वक्त उस मोहल्ले में कुछ बच्चे जवान हो रहे थे, कोठी में भी और आसपास के मकानों में भी। हालांकि दोनों की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था। पड़ोसियों को कोठी के भीतर घुसने की इजाजत नहीं थी, लेकिन बच्चों की आंखें चार होने लगी थी। वो दौर रेडियो स्टेशन का था। हमारे शहर में उन दिनों मीडियम वेव पर कई रेडियो स्टेशन आते थे। रेडियो नेपाल भी आता था। रात को कभी कभी पाकिस्तान के स्टेशन भी पकड़ में आ जाते थे, लेकिन असल खेल दिन में होता था। पहले उस दौर में आकाशवाणी पर पता नहीं क्यों ज्यादातर वक्त ऋषि कपूर और रंजीता की पिक्चर लैला मजनू के गाने बजते थे। आपको याद है लैला मजनू? उसमें गाना था उस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके। एक और गाना था, तेरे दर पर आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। बड़े मशहूर गाने थे इस फिल्म के। एक और गाना था, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ये गाने बजते रहते। दोनों तरफ रेडियो बजता, कोठी में भी और उसके आसपास बने मकानों में भी। फिर पिक्चर आ गई थी लव स्टोरी, उन्हीं दिनों कुमार गौरव और विजेता पंडित की। लव स्टोरी फिल्म के गाने भी बहुत मकबूल हो गए थे। सबसे खास था उसमें, याद आ रही है तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है। एक और गाना मुझे याद आ रहा है उस फिल्म का, वो था, कैसा तेरा प्यार कैसा गुस्सा है तेरा, तौबा सनम तौबा सनम। फिर एक्चुअली एक गाना और था, ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। तो ये सारे गाने जो है वो बच्चे गुनगुनाते रहते। एक गाना था जो बहुत ज्यादा बजाते थे बच्चे, देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना। तो इन सारे गानों ने 15-16 साल के बच्चों को आपस में बांध दिया था। भले ही उनमें बातें ना होती हों, लेकिन वो संगीत के तारों से बन चुके थे। उनमें मुकाबला होता रहता। उस कोठी में एक लड़की खास थी, 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर की थी। सांवला रंग, लंबा कद, लंबे बाल, मनोहारी चाल, जिधर से गुजरती थी सबकी नजरें उस तरफ घूम जाती थी। वो खाली वक्त में बरामदे में आकर बैठ जाती, रेडियो पर गाने सुनती रहती। मैं और मेरा दोस्त दोनों अगल बगल रहते थे और दोनों की छत से वो आंगन दिखता था जहां वो लड़की बैठती थी। वो जानती थी कि हम दोनों की निगाहें हर वक्त उस पर रहती हैं। ये हम भी जानते थे कि उसकी नजरें हम पर रहती हैं। हम दोनों वैसे तो हम प्याला हमने वाला थे, पर उससे इश्क की बातें हम एक दूसरे से छिपाते। हम दोनों को यह गुमान था कि वो लड़की हमें पसंद करती है। वक्त गुजरता रहा। फिर आई फिल्म एक दूजे के लिए। गाने तो उसके भी सुपर डुपर हिट थे, लेकिन इस फिल्म ने हम मौन प्रेमियों को संवाद का नया तरीका दे दिया। अब अक्सर हमारे घरों की लाइट जलने बुझने लगी। यहां घर 2 नहीं होते थे, एक साथ कई घरों की लाइट जलती थी। और भी चाहने वाले थे उसके, वो भी हमारे घरों की लाइट देखकर अपनी लाइट जलाने बुझाने लगते थे। तो पूरे मोहल्ले में हर घर की लाइट एक वक्त पर जलने बुझने लगती थी। कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, लेकिन एक उम्मीद थी। ये उस पहले प्यार की कशिश थी जो अभी अभी एकतरफा जन्म ले रहा था। मैं एक रोज साइकिल से अपनी ट्यूशन क्लास जा रहा था। ये वक्त होता था जब वो अपने स्कूल से वापस आती थी। स्कूली रिक्शा में काफी बच्चे ठूसे रहते थे, तो उस रोज मैं जा रहा था और उसका रिक्शा आ रहा था। अचानक हम दोनों की नजरें मिली तो मैंने उसे अपनी ओर देखते हुए पाया। उसने झट से दांतों से अपने निचले होंठ को दबाते हुए नजरें चुरा ली, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो।
उसने चाहे जो महसूस किया हो, पर मेरा दिल तो बाग बाग हो गया, मानो कोई जन्नत मिल गई हो। मुझे लगने लगा कि हो ना हो मुझे भी वो वैसे ही चाहती है जैसे मैं उसे चाहता हूं। इस रविवार को हमारे रेडियो ट्रांजिस्टर का वॉल्यूम और तेज हो गया, गाने और बजने लगे। हालांकि रेडियो के ये गाने अब माइग्रेट हो चुके थे, अब दर्द फिल्म के गाने हमें भाने लगे थे। राजेश खन्ना की पिक्चर दर्द, जिसमें गाना था प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा। एक और गाना था अहले दिल यूं भी निभा लेते हैं, दर्द सीने में छुपा लेते हैं, किशोर कुमार की आवाज में। और फिर न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, खिला गुलाब की तरह मेरा बदन, लता मंगेशकर की आवाज में। निखर निखर गई समर सवर गई बना के जिंदगी तुझे ये जाने मन। एक और गाना था ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी ना थी, शामिल है इसमें आपके चेहरे का नूर भी। इन गानों के बीच मैं सपनों के घोड़े पर सवार हो अपनी रूप की रानी के इश्क में आगे बढ़ता रहा। इस बीच मुझे पहला झटका लगा, ये पता चला कि उस लड़की ने संगीत सीखने मेरे दोस्त के घर जाना शुरू कर दिया है। मेरे दोस्त के पिताजी संगीत सिखाया करते थे, अब मेरा दोस्त सातवें आसमान पर था। अब उसके दिल में मुझसे ज्यादा मोहब्बत के फूल खिलने लगे थे। दोस्त अब कमीना हो चला था, अब उसने उस लड़की के बारे में बात करना बंद कर दिया था, अब वो मुझसे कम मिलता था, अब उसका ज्यादातर वक्त अपने घर पर ही बीतता था। वो लड़की संगीत सीखने के बाद दोस्त के घर पर रुक जाती थी, काफी काफी देर तक वहीं रहती थी। घर के सभी सदस्यों से वो काफी घुल मिल गई थी। इधर हम बेहाल हो चुके थे, मुंह फुलाकर बैठे थे, पर मनाए कौन, बरसों की दोस्ती में अब दरार पड़ चुकी थी। मैं ये मन ही मन तय कर चुका था कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और लड़के के परिवार को भी इस बात का पता है, लेकिन मुझे लगता था कि लड़की का परिवार इस बात से बेपरवाह है। हमारी दोस्ती और बातचीत टूट चुकी थी। मैं ये मानता था कि मेरा दोस्त अब उस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है जिसके इश्क ने मुझे भी दीवाना बना रखा है। दोस्ती की बातें अब बेमानी थी, अब मैं उसका रकीब था, अपनी मोहब्बत के रास्ते में वो मुझे कतई नहीं आने देना चाहता। ये सब मेरे दिमाग का फितूर था। सिनेमा हॉल में अब जितेंद्र और श्रीदेवी की तोहफा और मकसद नाम की फिल्में सुपरहिट हो रही थी। अमिताभ बच्चन शराबी बनकर धूम मचा रहे थे और हम गा रहे थे मंजिलें अपनी जगह हैं रास्ते अपनी जगह, प्यार करना जुर्म है तो जुर्म हमसे हो गया, काबिले माफी हुआ करते नहीं ऐसे गुना, तंग दिल है ये जहां और संग दिल मेरा सनम, क्या करे जोशे जुनू और हौसला फिर क्या करे, मंजिलें अपनी जगह हैं रास्ते अपनी जगह। ऐसे ही एक दिन मैं फिल्म देखने गया आमने सामने। ये फिल्म मेरे लिए खास थी। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर थे। इस फिल्म को देखने के लिए मेरा साथी कोई और नहीं, उस लड़की का भाई था। अपने दोस्त से इस रकीबी के दौर में काफी कोशिश के बाद मैं उस लड़की के भाई के साथ दोस्ती करने में कामयाब हो गया था। उसके साथ हमारी ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ थे। इस फिल्म का एक गाना काफी चला था, अंदर बाहर बाहर अंदर हम हैं जहां वहां जलवे। मैं खुश था कि इसी बहाने उस लड़की के घर जाने नजदीक होने का कोई तो रास्ता निकलेगा। उससे मिलने और बात कर पाने की चाहत में 7-8 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। मैं बीते कल के बारे में सोचने लगा, इस लड़की के लिए हमारी दीवानगी के क्या आलम थे, कैसे शुरुआत हुई थी, कैसे हम उसे देखने के लिए दोस्त के साथ जाते, कैसे वो दोस्त के घर संगीत सीखने जाने लगी, कैसे हमारी दोस्ती उसकी मोहब्बत की परवान चढ़ गई और कैसे इतने सालों में हमारे बीच सिर्फ एक बार बातचीत हुई थी, वो भी होली की रात। वो भी बातचीत क्या थी, शायद एक वाक्य रहा होगा, एक छोटा सा वाक्य। मुझे सोचकर हंसी आ गई। वो होली का दिन था। हमारे मोहल्ले में परंपरा थी कि हम बच्चे मिलकर सभी घरों से चंदा लेते थे, लकड़ी लेकर आते। मेरे घर के आंगन के ठीक सामने होलिका सच थी तो मजमा मेरे ही आंगन में लगता। पहले होलिका दहन का कार्यक्रम होता और बाद में रात भर लाउडस्पीकर बजाया जाता। सारी रात हम लड़के मस्ती करते, ऐसी ही होती थी हमारी होली की रात। और ऐसी ही एक रात जब हम मस्ती कर रहे थे, रात करीब 2 बजे का वक्त रहा होगा कि हमारी मस्ती को एक झटका लगा। देखा कि सामने के घर से हाथ में ट्रे पकड़े एक लड़की चली आ रही है। उसे देखकर मेरे तो होश उड़ गए।
उसने अपनी ट्रे मेरे सामने रखी जिसमें चाय से भरे कई कप रखे थे। उसने मेरी आंखों में देखा, ट्रे मुझे पकड़ाई और मुझसे कहा, यह आप लोगों के लिए। इतना कहकर वापस मुड़ी और चली गई। मैं उसे हैरत से देखता रह गया। मेरे बाकी साथी भी हैरत में थे। जिसका दीवाना पूरा मोहल्ला था वो रात के 2 बजे हमारे लिए चाय लेकर आई थी। न जाने क्यों, क्या वजह थी कोई नहीं जानता था। उस रात हमारा वो दोस्त वहां नहीं था जिसके घर वो संगीत सीखने जाती थी। उसने हम सब से मिलना छोड़ दिया था। मार्च का ये महीना था और उसके बाद मौसम बदला। मेरा रोमानी वक्त चल ही रहा था। धीरे धीरे हवा में सर्दियों के आने की आहट हो गई। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि वो अक्टूबर की 24 तारीख थी जब दिन में मैं उसके भाई के साथ फिल्म देखकर लौटा था। मेरे पैर जमीन पर नहीं थे और मन को पंख लग चुके थे। देर रात हो चुकी थी पर मैं अपनी ही धुन में अपने प्रेम को परवान चढ़ाने की तरकीबें बुन रहा था कि अचानक कहीं से जोर जोर से रोने की और चीखने की आवाजें आने लगी। पहले तो समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैं उठकर बाहर भागा। जब कुछ समझ नहीं आया तो छत पर भागा। छत पर पहुंचा तो देखा कि आवाजें बाहर कोठी से आ रही हैं। कुछ ही देर में आस पड़ोस के सभी लोग जग चुके थे। हर किसी के चेहरे पर चिंताएं थी। मन में एक सवाल था कि हुआ क्या है। किसी ने कहा कि शाम को सब ठीक था, मैं तो भाई साहब से मिला ही था। किसी ने कहा कि उसने बच्चों को वापस लौटते देखा। किसी ने कहा कि बच्चे तो सुबह कहीं गए थे, शाम को वापस आए। हर किसी के पास कोई ना कोई कहानी थी, जिसने जो देखा वो बोल रहा था। लेकिन सवाल ये है कि जब सब कुछ सही था फिर रोने की आवाज़ें क्यों आ रही। हिम्मत करके मैं अंदर गया। सोचा कि पता किया जाए कि माजरा क्या है। ये परिवार करीब 7-8 साल से वहां रह रहा था। इन सालों में ये शायद दूसरा मौका था जब मैं उस कोठी के अंदर गया था। अंदर घुसते ही पाया कि हर कोई गुमसुम खड़ा है। महिलाएं रो रही हैं। मेरी नज़र उसके छोटे भाई पर पड़ी जिसके साथ मैं दिन में ही पिक्चर देख कर आया था। मैं आहिस्ता से उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा, दीदी नहीं रही। कौन सी दीदी, बड़ी? मैंने धड़कते दिल से पूछा। वो बोला, छोटी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। हैरत से मैं उसे देखता रह गया। शब्द सारे खत्म हो चुके थे। मेरी पहली मोहब्बत की मौत हो चुकी थी। 8-9 साल में एक मुलाकात और एक वाक्य, इतना मुख्तसर सा ही तो था हमारा साथ। इतने साल बाद भी आज सब कुछ मेरी आंखों के सामने वैसे ही रुका है जैसे तब। मैं कभी नहीं समझ पाया कि आखिर उस दिन हुआ क्या। अचानक वो ये दुनिया छोड़कर क्यों चली गई। आज तक नहीं पता कि क्या हुआ था। मैंने अपने दोस्त से भी पूछा जिससे बाद में हमारी दोस्ती हो गई। उसने कहा उसे भी नहीं पता। किसी ने उसे भी नहीं बताया कि क्या हुआ था। हर साल जब अक्टूबर आता है तो मेरे साथ रहने लगती है। बार बार मेरे ख्यालों में आती है, दस्तक देती है। नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। हर साल 24 अक्टूबर को मैं वो कहता हूँ जो मैं उससे कभी नहीं कह पाया। I love you, नैना।